الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيدخلون منه فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیز و نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر اللہ حق سچ کیا سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینہ شعبان معظم کا آخر آخر ہے. یہ مہینہ شعبان کا اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اس کے بعد ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. یہ وہ مہینہ آنے والا ہے شعبان کے بعد جسے دنیا رمضان المبارک کے نام سے جانتی ہے. اللہ نے جب سے آسمان و زمین بنائے ہیں مہینے کتنے بنائے ہیں؟ 12 مہینے بنائے.
लेकिन अजीब बात यह है कि इन 12 महीनों में किसी महीने का नाम अल्लाह ने अपने कुरान में नहीं लिया, अगर नाम लिया है तो रमजान का लिया है। और ये वो महीना है कि अभी ये रमजान का महीना आने वाला होता कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए इस्तिक़बालिया खुतबा इरशाद फरमाया करते थे और मुसलमानों को जगाते उभारते के लोगों तुम्हारे ऊपर एक मुबारक महीना आने वाला है, इतना अजीम महीना आने वाला है कि जिस महीने का इंतखाब अल्लाह ने अपने कुरान के लिए किया है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, अल्लाह ने इस महीने में कुरान उतारा है। ये वो महीना है, हमारी तिजारती बोली में कह दो सीजन का महीना। ताजर और कारोबारी जब सीजन का महीना शुरू होने लगता है तो वो पहले ही से कमर बस्ता हो जाते हैं, चुकन्ने हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि अल्लाह करे ये सीजन जो है हमारा अच्छा लग जाए। तो मेरे दोस्तों, दीनी लिहाज से, ईमानी लिहाज से, सआदत के लिहाज से, रहमत के लिहाज से, रब की अताओं के लिहाज से सीजन का महीना रमजानुल मुबारक है। सीजन में चीजें बढ़ती हैं, कारोबार बढ़ता है, बचत बढ़ती है, इसमें भी बढ़ती हैं, इसमें नवाफिल बढ़ते हैं, फराइज बढ़ते हैं। और कितना बढ़ते हैं, एक फर्ज अदा करो 70 फराइज तक पहुंचता है। ये है वो महीना। कुरान करीम क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए। यानी रोजा वो इबादत है जो तमाम दीनों में मुश्तरक चलता आ रहा है। हाँ, औकात, दिनों की तादाद, महीनों की तादाद मुख्तलिफ रही है, लेकिन ये वो इबादत है जो तमाम अदियान समाविया में मुश्तरक रही है। कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, या अल्लाह रोजा रखें पहले लोगों पर भी फर्ज किया गया, इस उम्मत पर भी फर्ज किया गया है। हरिपुर वालों, कुरान का कमाल ये है कि मुख्तसर जुमलों में बहुत कुछ कह जाता है, चंद जुमलों में उलूम के समंदर इकट्ठे कर देता है कुरान। फरमाया रोजा तुम पे फर्ज किया गया है, क्यों फर्ज किया गया है, लअल्लकुम तत्तकून। फलसफा रोजे का, हकीकत रोजे की, लअल्लकुम तत्तकून। याद रखना मेरे आज इस जुमले को कुरान करीम के रूह से, और अगर जिंदगी ने वफा की तो एक जुमला ईद वाले दिन कहूंगा। और फिर आप रब समझना, बल्कि क्या कहूं, ईद तक कौन जिंदा रहता है, क्या ही देता हूं। रोजा, रोजे का फलसफा है लअल्लकुम तत्तकून। 30 दिन
29 दिन आपने सुबह से शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त की, हलाल चीजों से जिनसे अल्लाह ने रोका आप रुके रहे, पूरा महीना किस लिए, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार कर जाओ। तो हरिपुर वालों रोजे का फलसफा है लअल्लकुम तत्तकून। और ईद वाले दिन अल्लाह ने हर चीज आजाद कर दी है, खुशी दे दी है, खाओ पियो इनाम दे दिया। तो ईद का फलसफा क्या है, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार बन जाओ। दो जुमले याद रखना, रोजे का फलसफा है लअल्लकुम तत्तकून, और ईद का फलसफा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम नेमतें खा के शुक्र अदा करने वाले बन जाओ। तो ऐसा महीना तुम पे आने वाला है। अल्लाह के पाक पैगंबर सहाबा को कहते थे, ओ मेरे सहाबा, इस्तज़ल्ला अलैकुम शहरुन मुबारकुम, तुम्हारे ऊपर एक मुबारक महीना साया फगन होने वाला है, तुम पे एक मुबारक महीना आने वाला है जिसमें शयातीन जकड़े जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जन्नत को मुजयन किया जाता है। यानी यूं समझ लो, जब आपके हां कोई आपका महबूब शान वाला मेहमान आए आपके घर, आप दरवाजे खोल देते हैं, घर साफ सुथरा सजा देते हैं। होता है ऐसे कि नहीं, भाई मेरे मुअज्जज मेहमान आ रहे हैं, इस महीने की शान और रोजा रखने वाले की अजमत कि इस महीने में अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद, जन्नत को सजा के उसके दरवाजे को खोल के रख देते हैं। मतलब क्या है इन जुमलों का? मतलब आप कहेंगे जन्नत में जाएंगे तो तब, जब मरेंगे तो जाएंगे, तो पहले से इसको आरास्ता करके खोलने का मकसद क्या है? जहन्नम का दरवाजा बंद करने का मकसद क्या है? सुनिए, मकसद ये है कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरी रहमत भी मेरी सिफत है, गजब भी मेरी सिफत है, लेकिन दोनों सिफात के मुतालिक हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना रहमती सबकत गजबी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत पा चुकी है। जहन्नम मजहर है गजब का और जन्नत मजहर है मेरे रब की रहमत का। तो गजब वाली सिफत जहन्नम बंद कर दी, जन्नत के दरवाजे खोल के रख दिए हैं। यानी इशारा है, अगर कोई आना चाहता है तो कोई रुकावट बाकी नहीं रही, मेरी तरफ से कोई रुकावट बाकी, खुले हैं दरवाजे। एक हदीस ये सुन ली, अब जरा दूसरी हदीस सुन लीजिए। नबी करीम फरमाते हैं, मा मिन अब्दिन यसूमु सौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में एक रोजा रखे, कितने एक रोजा रखे, अल्लाह जहन्नम से उसे 70 बरस की मुसाफत पे दूर कर देते हैं। अल्लाह अकबर, कितना दूर? 70 बरस की मुसाफत पे अल्लाह उसे जहन्नम से दूर कर देते हैं। फिर मैं, मुझे कहने दीजिए, जहन्नम से अल्लाह एक रोजे के बदले
70 साल की मुसाफत में दूर करते हैं तो अगर 30 रोजे रखे जाएं कितना दूर होगा? अब आप कैलकुलेटर लेकर जी 70 को आप जरब दे दें 30 के साथ जी, मैंने तो हिसाब नहीं लगाया, अब सारे कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, 2160, अल्लाहु अकबर। रमजान के रोजे रखे, एक रोजे के बदले जहन्नम से 70 बरस दूर हो गया, 30 के बदले 2160 साल की मुसाफत दूर हो गया। दरवाजे बंद भी हैं जहन्नम के, दूर भी इतना कर दिया जाता है, जन्नत करीब भी कर दी जाती है। दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं, पहले से खोल दिए जाते हैं। बहुत ही बड़ा बदबख्त होगा वो इंसान जो इस महीने में अपने लिए जहन्नम का बंद दरवाजा तो खुलवा के दाखिल होना चाहेगा और जन्नत का खुला दरवाजा दे के भी वो दाखिल नहीं होता। वरना इससे बड़ी नवाजिशात मेरे ख्याल से नहीं है। कितनी बड़ी नवाजिश अल्लाह की तरफ से, अल्लाह अकबर। और ये जो मैंने आयात पढ़ी हैं, अफसोस अगर मेरे सामने, क्योंकि आप लोग भी ज़ौक रखते हैं, लेकिन अगर आप कुरान करीम का तर्जमा पूरा पढ़ते या दौरा तफसीर में कहीं शिरकत करते तो आपको मज़ा आता कि ये कुरान करीम की जो आयत मैंने पढ़ी है, कौन सी? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोजे फर्ज कर दिए गए, लअल्लकुम तत्तकून, आखिरी जुमला आयत का, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इन आयतों को ऐसे डायरेक्ट नहीं देखना, इन आयतों से पहले भी कुछ आयतें हैं और इस आयत के बाद भी कुछ आयतें हैं। कुरान को समझने में सबसे बड़ी अहमियत इस चीज की भी होती है कि सियाक को भी देखा जाए, सबाक को भी देखा जाए, आयत से पहले पसे मंजर को और आयत के बाद के पसे मंजर को देखा जाए। तो उस पहले और बाद के पसे मंजर में यूं समझ लीजिए कि यह रोजा जो है यह महज इबादत नहीं, बल्कि ये एक निज़ाम इलाही का एक हिस्सा है, पूरे निज़ाम में इसमें एक तरबियत है। वो क्या है? अब जरा देखिए, इसी जो आयत मैंने पढ़ी है, इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बतलाना चाहते हैं कि लोगों, मैंने तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाने के लिए हलाल कर दिए, पाकीज़ा चीज़ें खाओ, हलाल खाओ, ये तुम्हारे लिए जायज़ हैं। इससे पहली आयत में बहुत सारी, दो दफ़ा ये लफ्ज़ ज़िक्र किया है कि ये खाओ, ये पियो, ये तुम्हारे लिए जायज़ है। और इसके बाद रोज़े का ज़िक्र और रोज़े के बाद फिर ज़िक्र है, वो क्या? ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, अपना माल, अपनों का माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ, और केस लड़ लड़ के मुकदमे हाकिमों के पास ना ले जाओ, ताकि बातिल माल खा जाओ, हराम खा जाओ। पहले हलाल की तरगीब, फिर रोजे का हुक्म, आखिर में फिर हराम से मना कर दिया, यानी तरबियत है। बतलाना ये जा रहा, बतलाया ये जा रहा है कि रोजा असल नहीं है, असल जो है वो खाना मुबाह है। भूखा रहना कोई असल? असल चीज तो अल्लाह ने चीजें पैदा की है, खाओ, पाकीजा हलाल खाओ, और बाद में फिर हराम से मना कर दिया। दरमियान में रोजा इसलिए रखा है कि रब ने जब खाने का कहा है पाकीज़ा हलाल खाने का, तो अल्लाह
हराम से किस तरह बचा जाएगा, हराम से किस तरह बचा जाएगा, बचना कैसे होगा। फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐसे ही बचने का हुक्म नहीं दी दे दिया, बल्कि पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि मैं कुछ वक्त के लिए तुम पे तुम्हारी महबूब और हलाल चीजें बंद करूंगा, ज्यादा भी नहीं एक महीना। अगर तुम मेरी हलाल और मरगूब चीजों से मेरे कहने पे बाज आ गए, अगर हलाल से बाज आना सीख लिया तो हराम से बाज आने के लिए तैयार हो जाओगे। रोजे में बंदा किस से बचता है? हलाल से। आपने कमाया है, आपने पकाया है, सामने पड़ा है, जी भी चाहता है, दिल भी मचल रहा है, खाऊं पीऊं, प्यास भी है, लेकिन हुक्म क्या है? नहीं खाना, नहीं खा रहे। बैठे दस्तरखान पे, सामने हर नेमत है, नहीं लगा रहा हाथ, मुंह में नहीं डाल रहा, होंठ खुश्क है, जुबान खुश्क है, हल्क खुश्क है, पेट कमर से लग गया है, नहीं खा रहा। ये इसकी ट्रेनिंग है। क्या? कि मेरा बंदा अगर मेरी रजा के लिए हलाल छोड़ सकता है तो हराम क्यों नहीं छोड़ सकता। ये ट्रेनिंग कीजिए और इसी फलसफे को अपनाइए, इंशाल्लाह हराम से भी बच जाएगा बंदा। और एक बात ये भी, और एक दूसरी चीज भी है, कोई बड़ी अजीब है। रोजे का जिक्र किया, फिर अव्वल भी आखिर में, दरमियान में एक आयत दाखिल कर दी है, पहले भी रोजा, बाद में भी रोजा, दरमियान में एक आयत दाखिल कर दी है, वो कौन सी? इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। हरिपुर वालों, कितनी लज़त है इस आयत में। इज़ा सअलका इबादी अन्नी, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, पूछें। 14 मकामात कुरान के ऐसे हैं हरिपुर वालों, जहां बंदा पूछता है तो अल्लाह फरमाते हैं कुल, पूछा मेरे बंदे ने, मेरे महबूब आप जवाब दीजिए। चंद मिसालें बता दूं जी, जोक रखिए जरा। यस अलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं। कुल ही या मवाकी तो लिन्नास, मेरे पैगंबर इस लफ्ज कुल को याद रखिए, लोगों ने सवाल किया, अल्लाह ने जवाब किस लफ्ज के साथ दिया? कुल। मेरे पैगंबर आप कहिए, इस जुमले को याद रखिए, फिर इस आयत का लुत्फ आएगा। मेरे बंदे पूछते हैं ये चांद क्या है, घटता है बढ़ता है, पूछते हैं इसके बारे में। कुल ही या मवाकी तो लिन्नास, मेरे पैगंबर कह दीजिए ये लोगों को, लोगों के लिए वक्त मालूम करने का जरिया है, महीने साल मालूम किए जाते हैं इसे। यस अलून कमादा युन्फिकून, आपसे सवाल करते हैं कि वो क्या खर्च करें। कुल अल्फ, कह दीजिए मेरे पैगंबर जो तुम अपने माल से बचाओ, जायद करो, वो खर्च करो। यस अलून कानिल महीज, हायजा औरत के बारे में पूछते हैं। कुल, कह दीजिए हुआ अजन, हैज गंदगी है, औरत से दूर रहिए। 14 मकामात लोग पूछते हैं अल्लाह कुल से जवाब, लेकिन इस आयत में इज़ा सअलका इबादी अन्नी, अल्लाह फरमाते हैं जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कुल भी नहीं फरमाया कि आप कह दीजिए। मेरे पैगंबर ज़कात का पूछा तो मैंने कहा आप कह दीजिए, हाँ महीने का पूछा तो मैंने कहा आप कह दीजिए, औरत के
बारे में पूछा तो मैंने फरमाया आप कह दीजिए, लेकिन जब मेरा पता पूछते हैं तो कुल की भी जरूरत नहीं, बेहतर ये है कि अपना पता मैं खुद दे दूं अपने बंदे को। कुल नहीं फरमाया, खुद ही अल्लाह बोल पड़े कि मैं खुद, मेरा पूछ रहा है तो मैं अपना पता खुद बता दूं। इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कुल नहीं फरमाया फइन्नी करीब, फाय कि देर भी नहीं। उधर आपने पूछा, उधर रब ने कह दिया इन्नी करीब, मैं बहुत करीब हूं। उजीब दावत दाई इदादान, पुकारने वाले की पुकार कबूल करता हूं। इदादान, अल्लाह कब पुकारे, कब पुकारे, कब आप कबूल करते हैं, वक्त नहीं बता। इजादान, मेरा बंदा वक्त क्या पूछता है, जब भी तेरे दिल से निकलेगी मुझे कबूल करने वाला पाएगा। ये नहीं है कि इस वक्त दरवाजा बंद है कल आना, आज छुट्टी है परसों आना, आज थकावट है आज रश है, नहीं। इजादान, जब पुकारे जहां से पुकारे जिस बोली में पुकारे, उजीबो मैं कबूल करता हूं। तो यहां दुआ का बहुत ज्यादा तरगीबी हुक्म दिया, हालांकि जिक्र रोजे कर चलता है, इशारा कर दिया मेरा बंदा दुआ तो मैं हर वक्त ही कबूल करता हूं, लेकिन जब तू रोजे में होता है फिर खास तौर पे कबूल करता हूं। वक्त नहीं, लेकिन इस जिमन में इस बात को ला के इशारा कर दिया, मेरा बंदा जब तू भूख की हालत में, प्यास की हालत में, जब तेरी जुबान तेरे तालू से जुड़ती हो, जब उस वक्त पुकारता है ना, तो खास कबूल करता हूं। हमारे यहां तफसीर में एक जुमला पढ़ाया जाता है, जजा मिन जिन्सिल अमल, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा या नहीं आपको, जजा मिन जिन्सिल अमल, कि बंदा जिस किस्म का अमल करता है अल्लाह जजा उस अमल की जिन्स से दे देते हैं, उसकी जिन्स से होती है, जिस किस्म का अमल, बदला भी उस किस्म का, उस नौइयत का दे दिया जाता है। मसलन जजा मिन जिन्सिल अमल का बेहतरीन नमूना यह है, बंदे ने रोजा रखा, भूखा रहा, प्यासा रहा, ख्वाहिशात से रुका रहा, सुबह से शाम तक प्यास भूख बर्दाश्त की, इस प्यासा रहने को अरबी में अतशान कहते हैं। क्या सुभान अल्लाह, फिर कहना है, इस प्यासा रहने को अरबी में जी अतशान कहते हैं, प्यासा। और जो रोजेदार को रोजे के बदले में जन्नत के दरवाजा, जन्नत का दरवाजा मिलता है, उसे रयान कहते हैं। इस जोड़ को देखना, मैं सोचता रहा कि या अल्लाह ये क्या मामला है, नमाज वाले दरवाजे का नाम है बाबुस सलात, हज वाले दरवाजे का नाम बाबुल हज है, जिहाद वाले दरवाजे का नाम बाबुल जिहाद है, लेकिन रोजे के दरवाजे का नाम बाबुस सौम। कानून के मुताबिक तो ये होना चाहिए था ना, बाबुस सौम, बाबुस सौम नहीं। इस राज को देखिए कि रोजा भूख प्यास से बर्दाश्त करने का नाम है अच्छान, तो अल्लाह फरमाते हैं
तूने दुनिया में मेरे लिए प्यास बर्दाश्त की है, जो मैंने जन्नत का दरवाजा दिया है उसका नाम रैयान है। रैयान का माना है जब बंदा खूब सैरों के खा पी ले, इसे रैयान कहते हैं। जब बंदा सैर हो जाए इसे क्या कहते हैं? इस नाम में ये भी एक हिकमत है कि बंदा वो शाम को तो तू खा लेता था, शाम के इफ्तारी में शरबत भी पी लेता था, शाम को इफ्तारी में खजूर भी खा लेता था, प्यास भूख बुझा देता था, लेकिन अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा तेरे उस रोजे की कीमत वो खजूर और पानी नहीं है, तेरे उस रोजे को मैंने शर्फ कबूलियत इतना दिया है कि उस प्यास और भूख की सैराबी में जिस दरवाजे में दाखिल करके करूंगा उस दरवाजे का नाम रैयान है। तेरी उस प्यास को मैं यहां मिटाऊंगा, वो जो प्यास और भूख बर्दाश्त की है वो यहां मिटेगी। अल्लाह अकबर। सोच रहा हूं बहुत सारी अहादीस हैं, कितनी अहादीस पेश करूं और कितनी आयात पेश करूं, लेकिन एक बात जरूर करूंगा, इस पहले रमजान आने से पहले इसके ऊपर बोलने का मकसद यह था कि अगर हम में गफलत हो या हम में लापरवाही हो हम उसे दूर करें और इस महीने के लिए तैयार हो जाएं। यह सिर्फ इस मकसद के लिए। आप अंदाजा लगा लें रमजान बाबुर रैयान रोजे में भूख प्यास इसको अच्छान बदला देने वाला रहमान, इसमें जिस जात ने जिस कलाम को उतारा है उसका नाम है कुरान। ये कुरान का महीना है। किसका? शहरुल कुरान। और कुर्बान जाऊं कुरान में सबर करने वालों के लिए अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इन्नमा युवफ़्साबिरूना, अल्लाह सबर करने वालों को अजर देगा, उनका बदला देगा बगैर हिसाब। कैसे? बगैर हिसाब के बदला देगा। किनको? सबर करने वालों को। और कुर्बान जाऊं अल्लामा बगवी इमाम बगवी ने अपनी तफसीर मालिमुत्तंजील में अजीब नुक्ता उठाया है। वो फरमाते हैं सबर के सारे दर्जे, सबर के तीन दर्जे हैं, सबर अनिल मासियत, सबर अलत्ता और सबर अलल मुसीबा अलल कजा वल कदर, गुनाह से बाज आना ये भी सबर है, गुनाहों से बाज आना भी सबर है, नेकी पे डट जाना भी सबर है, और रब की तरफ से तकलीफ फैसले जो हैं उन पे अमल पैरा होके खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना भी सबर है। सबर के तीन दर्जे हैं और सबर का अजर बगैर हिसाब के हैं। हरिपुर वालों सबर के ये तीनों दर्जे रोजे के अंदर हैं। सबर के ये तीनों दर्जे किस में जमा हैं? रोजे में। कैसे? इसमें बंदा अपने आप को गुनाहों से रोकता है कि नहीं? तो ये भी सबर का एक दर्जा। इसमें अल्लाह बंदा नेकियों पे इस्तेकामत मुदावमत जोर देता है, ये भी सबर है। और इस महीने में बंदा तकलीफें भी अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त करता है। तो तीसरा दर्जा भी है। इसीलिए मुफस्सिरीन ने कुरान की इस आयत के तहत अजीब बात लिखी है कि ऐ ईमान वालों इस्ताईनू बिस सब्र,
वस्सला, ए ईमान वालों मदद चाहो मदद हासिल करो, बिसबरी वस्सला, सबर और नमाज के जरिए। किस जरिए से? तो मैंने कहा सबर रोजे के अंदर तीनों दर्जे हैं, तो इसीलिए मुफसर इस आयत का माना यूं करता है, ए ईमान वालों मदद हासिल करो बिसबरी रोजे के साथ और नमाज के साथ। आयत का जोड़ यूं बना दिया, रोजे और नमाज के साथ मेरी मदद हासिल करो। दिन को सबर किया, रोजा रखा, रात को तरावीह में खड़े होकर रब का कुरान सुना, मदद क्यों नहीं आएगी? और इस आयत के तहत एक जुमला कह देता हूं, सुना दूं, ये एक आपको एक अपना एक तोहफा देता हूं कि जब सबर से मुराद बकौल बाज मुफस्सिरीन के रोजा है और हुक्म है रोजे और नमाज के जरिए मेरी मदद हासिल करो, तो फिर ये भी जुमला याद रखिए, मेरे नाकिस मुताले में इस्लाम की तारीख में जितनी जंगें रमजान में हुई है किसी में शिकस्त नहीं हुई है। ये कमाल है, तारीख इस्लाम में जितनी जंगें रमजान में हुई हैं उसमें शिकस्त। इस्तईनु बिस्सब्र, क्योंकि रोजा था। क्या गज़वाए बदर, रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी, तादाद भी कम है, असलहा भी नहीं है, है भी रोजा, है भी रमजान का महीना, दुश्मन की तादाद कई गुना ज्यादा है, लेकिन रोजा है तो फतह हुई के नहीं? अच्छा, एक ये दूसरी मिसाल भी दे दूं, फतह मक्का सन 8 हिजरी, फतह मक्का है, ये भी कौन सा महीना था? रमजान का महीना था, इसलिए कि रोजे में अल्लाह ने ये कमाल रखा है। यही वजह है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपको कोई बुरा भला कहे, गालियां दे, तो आप जवाब में कह दिया करें इन्नी साइमुन, मेरा रोजा है। क्या है? क्या मतलब है? यानी मेरा रोजा मुझे तुझे बदला जवाब देने से क्या करता है? रोक रहा है, मेरा रोजा है, इसने मुझे रोका हुआ है। बड़ी अजीम इबादत है। कुछ लोगों पर ये मुश्किल होते, मुश्किल जाहिर बात है मुश्किल तो है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें लज्जत महसूस होती है और कुछ लोगों को इसमें मुसीबत और तकलीफ महसूस करते हैं। अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि अल्लाह हमें इससे लज्जत लेने वाला बना दे। अल्लाह का कोई हुक्म ऐसा नहीं है जिसमें बंदे की मसलहत ना हो, कोई हुक्म अल्लाह का ऐसा नहीं जिसमें बंदे की मसलहत ना हो। उलमा ने सिर्फ रोजे की दुनियावी फायदे, जो जिस्मानी फायदे हैं, दिल दिमाग रूह कल्ब, इसके जो फायदे हैं बदन के, उस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। इतनी अहमियत का हामिल है रमजान, और खुसूसन कुरान का महीना है, तो कुरान समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए तर्जमे के साथ। और अगर आप घरों में बैठे हैं और कोई वक्त नहीं है, तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि महीना आ गया, इसको बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते ही हैं, तो फिर कुरान का महीना है, इस महीने में उलमाए किराम के कुरानी दुरूस सुनिए। अगर आप कहीं जा नहीं सकते, तो चलो ये एक फायदा इससे जरूर हासिल कीजिए। बहुत बड़ा मवाद पड़ा है, दोरा तफसीर कुरान के मुकम्मल मुकम्मल तफसीरें मौजूद हैं।
आवाज के साथ, उर्दू में हैं, पश्तो में हैं, अरबी में हैं, अंग्रेजी में हैं, जो बोली आप चाहें उसमें सीखिए और अपने औकात को कीमती बनाइए, अपने काम अभी से आगे पीछे कर लीजिए, जो फजूलियात हैं उनसे कह दीजिए भाई मेरा रमजान का महीना, कुरान का महीना, रहमान का महीना आने वाला है, तो तैयारी करेंगे, कुरान करीम के दुरूस सुनिए, बस अपने औकात इसके लिए वक्फ कीजिए, और जब पेट खाली हो ना तो फिर रोजे के अंदर कमाल यह है कि रोजा तकवा पैदा करता है, क्या? और जब तकवा पैदा हो तो तकवा किधर होता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अत तकवा हा होना, अत तकवा हा होना, तकवा यहां है, तो जब तकवा आ गया तो दिल का सारा जंग, सारा मैल, सारा कुचेल, गंद जब धो के साफ कर दिया, अब जब दिल साफ हो गया तो कुरान की बरसात होगी, आपको अजीब लज्जत आएगी, पड़ेगा। कुरान पत्थर पे नहीं उतरता, कुरान कानों पे नहीं आता, कुरान इधर नहीं, कुरान अगर उतरा है तो किधर उतरा है? दिल पे उतरा है। लेकिन जब दिल जंग आलूद हो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान के दीवाने थे ना, कुरान पे मरते थे, तो उस मोहब्बत कुरानी का असर देखिए कि दुनिया से जा रहे हैं तो रब का कुरान खुला हुआ है, खून उस्मान आज भी कुरान पे पड़ा हुआ है, फसयकफी का हुमुल्ला इस आयत के ऊपर। तो किसी की शहादत का गवाह मैदान होगा, किसी की शहादत का गवाह मिंबर व मेहराब होगा, उस्मान तेरी शहादत का गवाह रब का कुरान होगा, ये खून में रंगीन और आग गवाही देंगे। तो हजरत उस्मान का एक जुमला पेश करने लगा हूं, कहते हैं लौ तहोरत कुलूबुना, लौ तहोरत कुलूबुना, अगर हमारे दिल पाक हो जाएं तो ये कुरान जितना भी सुनेंगे कुरान से सैर नहीं होंगे, जी नहीं भरेगा, सुनते ही जाएंगे अगर पाक हो जाएं, पाक ना हो तो फिर टांगे इधर उधर इधर कदे बस कर सी, तो कहीं कभी बस करेगा, फिर ये होगा साफ, तो फिर जी नहीं चाहेगा कि बंदा बस करे, सुनता ही जाए, सुनता ही जाए। आपके यहां पूरे मुल्क में रमजान का महीना होता है, तरावीह में कुरान सुनाया जाता है, न समझने के बावजूद भी कुछ लोगों को कितनी लज्जत आती है, खड़े रहते हैं, यही है। तो दोस्तों अगर न समझने के बावजूद एक लज्जत और मिठास है, बंदा खड़ा है, तो जो रब की इस बोली को समझता भी हो फिर खड़े हो के सुनता हो जी, उसकी लज्जत और उसकी मिठास के क्या कहने। तो कुरान तो आया ही इसलिए कि इसको समझा जाए, समझिए, सीखिए और अमल कीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की, अगले जुम्मे यहां से आगे चलूंगा, अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात जो मैं कह रहा था, चलो वो कह देता हूं। आता इब्न अबी रबाह मक्के के मुफ्ती थे, मक्का के मुफ्ती आजम थे, क्या नाम? अता इब्न अबी रबाह। आप कहेंगे बड़े अमीर होंगे, नहीं औरत के गुलाम थे, आप कहेंगे शायद रंग सफेद होगा, हद दर्जा सियाह रंगत थी, बाल हद दर्जे गुंगरियाले, वजूद का एक हिस्सा भी मफलूज है, आंख भी खराब है एक, नाक भी जिसको हमारी जुबान में कहते हैं चिब्बी, ये छह औसाफ तारीख में लिखे हैं,
یہ عطا ابن ابی رباح ہے. لیکن قرآن کے مفسر مکے کے مفتی خلیفہ وقت گھومتے گھومتے جب نظر پڑتی ہے آ کے بیٹھ جاتے ہیں انتظار میں اپنے بیٹوں سمیت. سلام پھیرا انہوں نے نفل پڑھ رہے تھے, خلیفہ آ کے ملتا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال کرتا ہے خلیفہ قرآن و حدیث سے جواب, سوال کرتے ہیں کتاب و سنت سے جواب, ہر بات پہ دلائل. گفتگو ہوئی, خلیفہ اٹھنے لگا, السلام علیکم. خلیفہ آئے تو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے جی, خود اندازہ لگا لیں. لیکن اس اللہ والے کی کیفیت کوئی فرق نہیں آیا, کوئی ہیبت نہیں. گفتگو ہوئی, جب جانے لگے تو خلیفہ سے دونوں احرام میں ملبوس بیٹے کہنے لگے, ابا جان اتنا بڑا یہ آدمی ہے, رنگت دیکھیں, چہرہ دیکھیں, بال دیکھیں, وجود دیکھیں, اس کو اتنا بھی خیال نہیں کہ دنیا کا بادشاہ اور خلیفہ آیا ہے. اتنی لاپرواہی سے آپ سے گفتگو اور باتیں. بیٹوں نے یہ کہا تو باپ کا جواب سنیے. فرمایا, بیٹو جو کمیاں تم نے بیان کی ان ساری چیزوں کے باوجود یہ غلام بھی ہے. تم نے تو کالا کہا, رنگ ایسا ہے, چہرہ ایسا ہے, ان ساری چیزوں کے باوجود یہ ہے بھی کیا, غلام ہے. لیکن فرمایا, بیٹو یہ رب کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا عالم ہے, تو علم وہ دولت ہے جو غلام کو بادشاہ کے برابر کر دیتا ہے. تو سن لیجئے, تم نے کہا یہ غلام ہے, تمہارا باپ خلیفہ ہے, تو تمہارا باپ اس کا غلام ہے. وہ عطا ابن ابی رباح کا ایک جملہ ہے. میں نے کہا روزے میں دعا قبول ہوتی ہے, ایک نکتہ ہے. وہ کہتے ہیں تین دفعہ ہری پور والو, جب بھی کوئی بندہ تین دفعہ اپنے مالک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے سر تین دفعہ یہ کہے, یا رب یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب, کتنی دفعہ؟ تین دفعہ. جب رب رب کہہ کے التجا کرتا ہے تو اللہ نظر اللہ علیہ, اللہ اس پہ نظر کرم ضرور ڈالتے ہیں. کتنی دفعہ؟ تین دفعہ یا رب کہے, سوال ہی نہیں پیدا. اللہ ضرور اس کی طرف ایک نگاہ کرم ڈالتے ہیں. جی میرا بندہ, دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے عطا ابن ابی رباح کی بات ہے, دلیل سمجھ قرآن کی. کہتے ہیں دلیل سورہ آل عمران آیت 193-95, یہ دلیل ہے. کون سی؟ فرمایا, ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. ان میں تین مرتبہ ربنا ربنا ہے. کتنی دفعہ؟ تین دفعہ. ربنا اننا سمعنا, دوسرا ربنا فاغفر لنا, تیسرا ربنا وآتنا ما وعدتنا. جب تین دفعہ ربنا کہا تو جواب کیا ہے؟ فاستجاب لهم رب. کتنی دفعہ رب کہا؟ تین دفعہ. جب ربنا کہا تو نتیجہ فاستجاب لهم,
रब्बुहुम, रब ने देर नहीं की, दुआ कबूल कर दी। फरमाया इस आयत को देख के मैं कहता हूं जो हाथ उठाए 3 दफा कह दे ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मैं ये चाहता हूं, ये मांगता हूं, रब अता कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।